पानीपत की जन आवाज सोसाइटी के संचालक जोगिंदर स्वामी के नेतृत्व में आज हुड्डा कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। जोगिंदर स्वामी का आरोप है कि अंसल एपीआई के द्वारा बचत की भूमि को नाजायज तरीके से बेचा गया है। उनका कहना है कि यह वह बचत की भूमि है जिसे कभी भी अंसल एपीआई के द्वारा खरीदा नहीं गया था और ना ही किसी किसान के द्वारा इसे बेचा गया था। जोगिंदर स्वामी ने अंसल एपीआई द्वारा बचत की भूमि पर किए गए सभी निर्माणों को अवैध बताते हुए कहा कि टैक्सी स्टैंड और बचत की भूमि बेचकर अंसल एपीआई के द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने और मामले में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। जूडी लैंड, जिसका हिंदी अनुवाद अनिर्धारित भूमि, जिसको किसान ने बेचा नहीं और अंसल ने खरीदा नहीं, उस भूमि को लेकर के है। उस भूमि को अंसल मालिकों द्वारा बेचा गया है, उसको लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन था। इसमें डीटीपी पानीपत, डीटीपी हेडक्वार्टर और इसके अंदर अपना अंसल मैनेजर मालिक और आरडब्ल्यूए प्रधान, ये सब मिले हुए हैं। मिलकर इन्होंने टैक्सी स्टैंड और यूडी लैंड को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, बेच डाला, जो बेचा ही नहीं जा सकता जिस भूमि को। यह रजिस्ट्री है, यूडी भूमि है ये। तो ये मैनेजर है तेजपाल सिंह, तेजेंद्र पाल सिंह, ये अपना चंद्र प्रकाश है, अकाउंट ऑफिसर है। इनको क्या राइट है? जो जमीन बिकी नहीं, अरे न खरीदी नहीं, अगर इसमें कुछ होना होता उसी टाइम जब ये प्लानिंग हुई, उसी टाइम इसके अंदर भवनों की प्लानिंग हो जाती। लेकिन ये बचत की जमीन है, इसमें कुछ बन ही नहीं सकता। और इनके अंदर जिसका नक्शा नहीं पास हो सकता, उसमें कोठियां बनी हुई हैं, जिसको बेचा नहीं जा सकता, उसकी रजिस्ट्री हो रही है, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्या मांग रही है आपकी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस की अपना सीबीआई से जांच हो। ये कम से कम 100-200 करोड़ का घोटाला है, सीबीआई से जांच हो। इसमें शामिल डीटीपी हेडक्वार्टर, डीटीपी पानीपत, अपना अंसल मैनेजर और मालिक आरडब्ल्यूए प्रधान, इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों, इनकी रजिस्ट्रियां तत्काल प्रभाव से रद्द हों और इसमें जो भवन बनाए हैं अवैध भवन हैं, उन अवैध भवनों को तत्काल प्रभाव से गिराया जाए।